दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एग्रीकल्चर पे। और आज मैं आया हूँ स्प्रे करने के लिए कैस्टर में। वो ना ये रक्षक 400 लेके आया था मैं स्प्रे करने के लिए। और चल रहा है कटाई पे मेरा रिपर। और मैं पास में ही था, कैस्टर में खरपतवार आए थे बहुत, तो स्प्रे का चल रहा है दिन रात, तो मैं स्प्रे मारने आया था और मेरा खेत ख़त्म हो गया। और देख लेता हूँ मैं, वो जुवार काटने का मशीन चालू है अभी, वो 18 इंची के लाइन पे लगाया हुआ है जुवार। दिखाता हूँ मैं, आ रहा है मेरा रिपर और वो आ गया है सामने। वो ये आ गया, आ रहा है अभी, मैं दिखाता हूँ। सेकंड गियर में चलता है रिपर अभी, इस साल सीजन सही चल रहा है। वाह, आ गया, दिखाता हूँ मैं। और ये है हमारा मोगली। मुझे अरे यार, आ रही पर भाई, दोनों ट्रैक्टर पास में चल रहे थे, मेरा पहले ख़त्म हो गया और उसका चालू है अभी, इसको देर लगेगी। और एक प्लाव पे चल रहा है और एक रोटावेटर पे चल रहा है और एक कल्टीवेटर पे, 5 ट्रैक्टर चालू है आज। एक ट्रैक्टर सर्विस पे गया हुआ है। और कलाकार चला रहा है हमारा, ये कलाकार। अरे मोगली है हमारा, चाय लेके आ गया। और ये है मेरा प्ले मशीन। ये कटाई हो गई है अभी, एकदम सीधे लाइन पे सब लगा रहा है मशीन। ये दिन में 20 एकड़ मिनिमम ले लेता है, अच्छी स्पीड पे चलता है। इसका ऐसे हाइड्रोलिक डायरेक्ट किया हुआ है हमने, ऐसे हाइड्रोलिक लॉक करना पड़ता है, लॉक करके इसका प्रेशर आगे आ गया है। और ये ऐसे दो जग लगा के जुगाड़ बनाया है। और ये रेडिएटर के लिए जुगाड़ है, इसमें एयर क्लीनर डाल दिया है और इसको खुला कर दिया है, इसे गर्म ना हो। अभी ये 60 तक ही होगा गर्म, जो देखिए ये गर्म है ही नहीं, ट्रैक्टर गर्म होता ही नहीं है पूरा दिन ऐसे चलने, वरना इसमें 100 से ज़्यादा गर्मी आ जाती है। चौकअप रहता ना रेडिएटर, इसमें ऐसे छोटे छोटे फंस जाते रेडिएटर में। और चौकअप रहता है, पर ये जुगाड़ बनवा दिया है हमने घर पे। और अब इसको चौकअप होने का कोई चांस नहीं है, मैंने खुद बनाया हुआ है सारा सेटअप। ऐसे दो जैक लगा दिए इसमें, ये पहले पीछे लगता था, पीछे से उठा के आगे लगा दिया इसको। और चल रहा है अभी, ये चलेगा 1 महीना पूरा। और वो भी आज जा रहा है, वो तकरीबन 10,000 लीटर छिटने का है पानी ये 10 दिन में, तो जा रहा है अभी वो दूसरे गांव जा रहा है। और ये भी चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।